तो दोस्तों शॉर्ट्स वीडियो और लॉन्ग वीडियो क्या एक ही चैनल पे आप डाल सकते हो, या फिर उन दोनों वीडियो के लिए जो शॉर्ट्स वीडियो के लिए अलग चैनल बनाना पड़ेगा या फिर लॉन्ग वीडियो के लिए अलग चैनल बनाना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आए हैं और ये भी पूछा गया है कि क्या हम शॉर्ट्स वीडियो और जो लॉन्ग वीडियो अगर एक ही चैनल पे डालते हैं, क्या हम शॉर्ट्स वीडियो के जो टॉपिक है, जो निश है, उसको हम अलग भी बना सकते हैं या फिर हमको सेम टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी अकेले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पूरा देखना, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है और आपको ये चीज क्लियर जाने वाला है कि शॉर्ट्स वीडियो के लिए और लॉन्ग वीडियो के लिए सेपरेट चैनल बनाना पड़ेगा या फिर एक ही चैनल पे आप वीडियो बना सकते हो। तो सब कुछ मैं बताने वाला हूं। वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पे हम बात कर लेते हैं लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो में क्या डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट्स वीडियो क्या एक ही चैनल पे बना सकते हैं या फिर हमको लॉन्ग वीडियो शॉर्ट्स वीडियो के अलग अलग चैनल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लॉन्ग वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा लॉन्ग वीडियो होता है वो एक मिनट से ज्यादा होता है और मैक्सिमम आप कितना भी लेके जा सकते हो, और ज्यादातर आप जो लॉन्ग वीडियो आपकी उसकी बहुत ज्यादा लेंथी मत कर दिया करो, मैक्सिमम 10 मिनट रखा करो, या फिर बहुत ज्यादा आपको बड़ा हो रहा है तो मैक्सिमम 15 मिनट तक आप लॉन्ग वीडियो लेके जाओ। कोशिश करो कि 10 मिनट के अंदर में ही आपका वीडियो जो लॉन्ग वीडियो वो कवर हो जाए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो देखते देखते एक टाइम पे थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है तो लोग वहाँ पे वीडियो आपका स्किप करके दूसरे वीडियो पे चले जाते हैं। उसके बाद टिकटॉक के बैन होने के बाद इंडिया में रील्स इंस्टाग्राम पे आ गया है और शॉर्ट्स यूट्यूब पे आ गया है। टिकटॉक ने बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाया था जिसकी वजह से इंस्टाग्राम ने रील्स वाली फीड ला दी और YouTube ने शॉर्ट्स वाली फीड ला दी। जो कि शॉर्ट्स वीडियो के आने के बाद YouTube ने लॉन्ग वीडियो को प्रमोट करना थोड़ा कम कर दिया है, इसके वजह से लॉन्ग वीडियो पे व्यूज थोड़ा कम आते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो से आपको वॉच टाइम थोड़ा अच्छा खासा मिल जाता है भाई। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं शॉर्ट्स वीडियो में क्या आपको फायदे मिलेंगे अगर आप शॉर्ट्स वीडियो YouTube पे अपलोड करते हो। शॉर्ट्स वीडियो में जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस पे आपको व्यूज बहुत ज्यादा मिल जाएंगे और YouTube आजकल शॉर्ट्स वीडियो को बहुत ज्यादा भाई प्रमोट कर रहा है, इसको रीच बहुत ज्यादा मिलती है, इसके वजह से व्यूज भर भर के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बात करें अगर आप शॉर्ट्स पे कंसिस्टेंसी आप बनाए रखें तो आपको व्यूज बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं, यहाँ तक कि लाखों व्यूज मिल सकते हैं, इसपे मिलियन तक आपको व्यूज मिल जाते हैं, 100-100 मिलियन तक आप इसपे व्यूज देख सकते हो शॉर्ट्स वीडियो पे। व्यूज आने के बाद हम यहाँ पे बात करें इसके वॉच टाइम बहुत आपको कम देखने को मिलती है, क्योंकि जो शॉर्ट्स वीडियो होते हैं वो 60 सेकंड से कम होते हैं, अगर 60 सेकंड से ऊपर हुआ तो वो लॉन्ग वीडियो में आ जाते हैं। यहाँ पे हम बताया कि 60 सेकंड के वीडियो में आपको वॉच टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता, लेकिन एक चीज आपको मिलती है वो है व्यूज, और उसके बाद आपको सब्सक्राइबर बेस बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आप समझ लो आपके एक वीडियो पे, एक शॉर्ट्स वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज है, तो अगर आपको 1% भी आपको लोग सब्सक्राइब करेंगे तो भाई साहब आप समझ लो आपको 10,000 सब्सक्राइबर देखने को मिल जाएंगे। और ये चीज हो सकती है अगर आप शॉर्ट्स वीडियो कंसिस्टेंसी से आप वीडियो बना रहे हो और अपलोड कर रहे हो अपने चैनल पे। दोस्तों आप इसे समझ सकते हो कि अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बनाओगे तो आपको व्यूज बहुत अच्छे खासे मिलेंगे, क्योंकि YouTube खुद प्रमोट कर रहा है शॉर्ट्स वीडियो को, और जितने भी YouTube पे क्रिएटर है वो सबको बोल रहा है भाई YouTube के आप शॉर्ट्स वीडियो बनाओ, 60 सेकंड में आपको जो वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लॉन्ग वीडियो में मिले वो आपको 60 सेकंड में मिल जाए ज्यादातर, तो आप शॉर्ट्स वीडियो लोग ज्यादा देखना प्रेफर कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हम शॉर्ट्स वीडियो और लॉन्ग वीडियो को एक ही चैनल पे डाल सकते हैं या फिर हमको लॉन्ग वीडियो के लिए अलग चैनल बनाना पड़ेगा और शॉर्ट्स वीडियो के लिए अलग चैनल बनाना पड़ेगा, तो दोनों चीज को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट्स वीडियो और लॉन्ग वीडियो एक ही चैनल पे डालना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला भाई, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका अगर चैनल एजुकेशन पे है तो लॉन्ग वीडियो आपका भी एजुकेशन पे जाएगा, तो शॉर्ट्स वीडियो भी आपका एजुकेशन पे ही जाना चाहिए। ये नहीं कि लॉन्ग वीडियो आपका एजुकेशन पे जा रहा है और शॉर्ट्स वीडियो आपको फनी जा रहा है, कॉमेडी पे जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। एक ही टॉपिक पे आपको एक ही निश पे काम करना पड़ेगा। अगर आपका चैनल टेक पे है तो लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो दोनों भी टेक पे जाने चाहिए, अगर आपको एंटरटेनमेंट पे है तो लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो दोनों एंटरटेनमेंट पे जाने चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। टॉपिक मत चेंज करिएगा, जो कि आपकी निश है, जिस टॉपिक पे आप बनाते हैं, जो आपका लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट होता है, जो शॉर्ट्स वीडियो फॉर्मेट होता है, दोनों एक ही निश पे वीडियो बनाएंगे तो आपका चैनल जल्दी ग्रो हो जाएगा और जो शॉर्ट्स है वो जल्दी वायरल होते हैं, जिसके वजह से आपके वीडियोस पे व्यूज आएंगे और व्यूज शॉर्ट्स वीडियो पे आएंगे तो आपके सब्सक्राइबर भी बनेंगे, उसके बाद आपका लॉन्ग वीडियो भी चलना शुरू हो जाएगा, इसके बाद आपका यूट्यूब भी आपके वीडियोस को प्रमोट करना शुरू कर देगा। शॉर्ट्स वीडियो मैं कह रहा हूँ सब कोई बनाओ भाई, फिलहाल मैं कुछ दिनों से शॉर्ट्स वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं भी वीडियो बना के अपलोड करना शुरू करूंगा और आप भी बनाओ और जल्दी से सब्सक्राइबर पाओ, व्यूज पाओ और पैसे कमाओ भाई। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।